आज हम सीखेंगे सिंपल राउंड नेकलाइन बनाना सिंपल बुकरम के साथ में, ठीक है। तो चलिए, गला बनाने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि ये आपकी मशीन खराब नहीं करे, ये बुकरम का पीस। उसके बाद में मेन फैब्रिक, जो इसका फैब्रिक होगा वो हमें फैब्रिक चाहिए रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे को उसमें सिंपल राउंड नेक बनाना है तो मैं आपको उसका मेजरमेंट बताती हूँ। अगर आप फिनिशिंग से काम करते हैं तो आप एक सस्ते से भी फैब्रिक को आप बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अल्पना और आप देख रहे हैं फैशन एकेडमी। आज हम सीखेंगे सिंपल राउंड नेकलाइन बनाना सिंपल बुकरम के साथ में, ठीक है। जो कुर्ती इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसकी कटिंग और ड्राफ्टिंग मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुकी हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं और कटिंग और ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंपल गले की कटिंग और उसको सिलने का एकदम सिंपल तरीका। तो चलिए, गला बनाने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होगी मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये है सिंपल वाइट बुकरम, ये प्लेन है, कहीं से भी इसमें स्टिक होने वाला स्टफ नहीं है, ये एकदम सिंपल बुकरम है। ये बहुत अच्छी है और धुलने के बाद में ये खराब नहीं होती, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसी वाली बुकरम को खरीदें ताकि ये धुलने के बाद में खराब ना हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि ये आपकी मशीन खराब नहीं करेगी, क्योंकि हम जो बिना पेस्टिंग वाली बुकरम लेते हैं वो ज्यादा करके हमारी मशीन खराब कर देती है। तो इसकी क्वालिटी उससे थोड़ी ज्यादा अच्छी है, तो मैं आपको यही लेने के लिए बोलूंगी कि आप ये वाली बुकरम खरीदें। और ये इजिली टेलरिंग मटेरियल जिस शॉप पे मिलता है उस शॉप पर मिल जाती है, तो आपको इसके लिए कुछ अलग से दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, पहला हमारा इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है वो है ये बुकरम का पीस। उसके बाद में मेन फैब्रिक, जो इसका फैब्रिक होगा वो हमें फैब्रिक चाहिए रहेगा, रूलर, मार्किंग चौक, इंची टेप और ये सीजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे को उसमें सिंपल राउंड नेक बनाना है तो मैं आपको उसका मेजरमेंट बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक बुकरम का पीस है, मैं आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ कि ये मैंने कैसे लिया हुआ है। देखिए, ये है 7.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंच की है। तो ये खुलने के बाद में इस तरह से ये 10 इंच का पीस आएगा और लंबाई इसकी 7.5 इंच है, ठीक है। तो जैसे मानिए इसका कोई ऐसा, तो देखिए इसका कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं होता है, बस हमारे गले की जो लंबाई चौड़ाई होती है उसके हिसाब से ये कटता है। तो अब मैं आपको इसको मेजर करना बताती हूँ। तो देखिए, मेरे को जैसे कि गला चाहिए है 5.5 इंच का, तो मैं उसमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। ये मेरा गले की लंबाई है जो कि 5.5 इंच है, आई होप कि आपको दिख रहा हो। देखिए, ये 5.5 इंच मेरे गले की लंबाई है, तो मैं इसको 6 इंच लूंगी, क्योंकि 0.5 इंच ये हमेशा शोल्डर स्टिच करने में चला जाता है, तो हमें 0.5 इंच हमेशा यहाँ से एक्स्ट्रा लेना चाहिए। तो ये मैंने इसको 6 इंच पे मार्क कर लिया। अब जो गले की चौड़ाई है वो मेरी 3.5 इंच है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर लिया। और अगर आप चाहें तो आप इसको अपने कुर्ते के शोल्डर से भी मार्क कर सकते हैं, तो वैसे ये 3.5 ही है, मैं एक बारी आपको बता देती हूँ। देखिए, जो यहाँ पे ये नॉचेस लगे हुए हैं, ये देखिए वहीं पे ये आ रहा है परफेक्ट, जहां पे मैंने ये नॉचेस लगाए हुए हैं। तो पहले मैं एक स्क्वायर बॉक्स बना लेती हूँ। ये सिंपल राउंड नेक है, 3.5 मैंने ऊपर लिया था, तो 3.5 मैं यहाँ पे भी लूंगी। और ये मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक राउंड शेप करना है, तो अगर आपके पास में कर्विंग स्केल हो या फ्रेंच कर्व हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं तो डायरेक्ट ही करूंगी। देखिए, ये मैंने इसको डायरेक्ट मार्क कर लिया। अब यहां से हमें
करीबन 1-1 इंच का निशान कर लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 1-1 इंच मार्क कर रही हूँ पूरे में इस तरह से, ये मैंने मार्क कर लिया। अब ये मार्क को मैं अच्छे से उठा लूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने ये मार्क उठा लिए। तो ये मेरा बाहर वाली साइड में जहां पे हेमिंग लगेगी और ये मेरा मेन गला, ठीक है। तो अब इसको हम कटिंग करते हैं। आप एक चीज और कर सकते हैं, आप कटिंग करने से पहले इसमें स्टेपलर कर सकते हैं। आप कभी भी बुकरम कट करें तो उससे पहले आप इसको स्टेपल जरूर कर दें। स्टेपल करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि ये इधर उधर हिलती डुलती नहीं है। देखिए ये मैंने इसको इस तरह से स्टेपल कर लिया। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो मैं यहां से इसको इस तरह से पकड़ूंगी। देखिए ये मेरा गले का शेप आ गया। अब मुझे ये साइड वाला कट करना है, तो इसके लिए भी सेम वही इस तरह से। गले की कटिंग करते समय उसे हमेशा हाथ में उठा के कट करिए, इस तरह से उंगलियों के बीच में दबाकर। ये देखिए जैसे मैंने ये दबाया हुआ है इस तरह से। ये देखिए ये कट गया। अब आप इसको यहां से रिमूव कर सकते हैं और ये पिंस इजीली निकल जाती हैं। देखिए ये गला आ गया। देखिए अब नेक्स्ट हमें पहले इस कपड़े के ऊपर इस गले को सिलना है। तो पहले हम इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। देखिए एक अच्छी सिलाई लग के ये फिक्स हो गया है। अब इसको यहां से एक्स्ट्रा कट करना है, तो इसके चारों तरफ से 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ के इस वाली साइड से और इसको पूरा कट कर देंगे। देखिए इसको इस तरह से कट करते हुए चले जाना है। एक्स्ट्रा थ्रेड्स हमेशा कट करते हुए चलिए। चलिए देखिए अब इसको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करना है। तो ये देखते हैं ये कैसे फोल्ड होगा। ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना होगा। अच्छे से खींचकर बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में चारों तरफ से आया, पूरा सर्किल बनकर आया है। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे हम इस तरह से और यहाँ पे एक नॉच बनाएंगे ताकि इसका सेंटर निकल आए। और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे दोनों साइडों से। देखिए मैंने नॉच भी लगा लिया है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें नॉच लगाया हुआ है यहाँ पे और मैंने इसको बराबर कट कर दिया है। अब हम इसे मेन कुर्ते पे प्लेस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे कुर्ते में आपको ऑलरेडी 3 नॉच दिखाई दे रहे होंगे, 1, 2, 3। ये सेंटर का है और ये दोनों गले के साइड के हैं।
तो अब देखिए इसमें साइड साइड्स में तो ये मेरी बुकरम लगी हुई है। अब इसको मैं सेंटर में इस तरह से रखूंगी और ये इसका नॉच मिलाऊंगी, और यहां से नॉच मिलाने के बाद मैं एक सीधी सिलाई यहाँ पे लगाऊंगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला राइट साइड और ये वाला राइट साइड बस सेंटर से सेंटर मिलाना है। तो इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, इसीलिए इसमें नॉचेस लगाए जाते हैं। देखिए इस तरह से ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है, ये इस नॉच पे आ रहा है और ये इस नॉच पे आ रहा है। देखिए यहां से ये प्रॉपर आ रहा है बिल्कुल बराबर, और ऐसे ही ये इस तरफ से भी आ रहा है सेम। तो चलिए इसमें एक सेंटर में सिलाई लगाते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स ये वाली जो स्टिच है ये बस बुकरम के यहां पर ही लगेगी, इसके नीचे नहीं आएगी ये। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर दिख रहा हो। ये देखिए ये बुकरम के यहां से बिल्कुल भी स्टिच का टाका नीचे नहीं आया है, पूरा यहाँ पे ही इसको यहां से यहां तक पकड़ा हुआ है इसने। देखिए इस तरह से ये रखा जाएगा इसके ऊपर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहां से स्टिच करना। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज है वो होती है इस गले को यहाँ पे स्टिच करना। तो इसको स्टिच करना देखते हैं। इसके लिए हमें धागे की जो स्टिच है उसको छोटा करना पड़ेगा। ये वाली सिलाई आप बड़े स्टिच से भी लगा सकते हैं, बट जब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे तो उसके लिए हमें धागे की स्टिच को छोटा करना पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। बस ये देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर से कॉर्नर बिल्कुल देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी ये मार्क लगा हुआ है और यहाँ पे इस मार्क के ऊपर ये आ रहा है फिर। और आपको निडल बस यहाँ पे चलानी है। देखिए ये जो जगह है ये जो इसके बगल से जो जा रहा है बिल्कुल यहाँ पे किनारे किनारे चलानी है, बिल्कुल भी स्टिच को ना इस तरफ करना है और ना ही इसके ऊपर चलाना है, बिल्कुल किनारे किनारे स्टिच चलानी है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से चलाइए मशीन, धीरे धीरे काम करिए। मैं भी मशीन बहुत स्लो चलाती हूँ और यही सजेशन दूंगी कि आप भी मशीन थोड़ा स्लो चलाइए, अच्छा वर्क करिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छा होगा। देखिए इसको अच्छे से सेट कर लीजिए और सेट करने के बाद में फिर आराम से खींच खींच के चलाइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कहीं पे भी इस बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आई है और ऐसा ही होना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो। देखिए बुकरम सब जगह से खुली हुई है, कहीं पे भी नहीं आई है स्टिच, पूरी स्टिच बैक में है ये देखिए, और मैंने कितनी बारीक स्टिच लगाई है। तो ये ऐसे ही करना है, इसमें हमें कोई बड़ा टांका नहीं देना है और कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। अब देखिए इसकी कटिंग करनी है, तो इसकी कटिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा मार्जिन छोड़ना होगा। तो वो मार्जिन देखिए बस इतना ही होना चाहिए कि एक पैर का मार्जिन रहे, ज्यादा मार्जिन नहीं छोड़ते हैं इसमें। देखिए बस इतना ही मार्जिन छोड़ना होता है हमें। तो चलिए इसको कट करके अलग कर देते हैं। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से ये कट करके अलग कर दिया। अब इसमें हमें नॉचेस लगाने हैं, कट लगाने हैं छोटे छोटे, वो इसलिए ताकि हम इसे पलटे तो ये बहुत अच्छी फिनिशिंग आए इसके अंदर इस तरह से। देखिए एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां से ये सिलाई तक ना कटे, बस सिलाई के किनारे किनारे तक कटता है। तो चलिए इसको हम रॉन्ग साइड कर लेते हैं फिर।
और जहाँ पे कर्व ज्यादा आ रहा है वहां पे पास पास देना होगा आपको नॉच। यहाँ पे मेरा कपड़ा थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया है क्योंकि मैंने इसमें पैच लगाया है, तो इसको थोड़ा कैंची के साथ में प्रेशर डालना पड़ेगा। बस ध्यान रखना है कि इसकी सिलाई ना कटे, सिलाई का टाका ना कटे। अब देखिए ये गला रेडी हो गया है, कितना ही इजी है, और 5 मिनट में ये पूरा रेडी हो गया। अब बस इसको इस तरह से पलट देना है। देखिए ये इस तरह से पलट जाएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा पहनने पे। देखिए मैं इसके ऊपर प्रेस करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स ये कितनी फिनिशिंग के साथ में पूरा गला रेडी हो गया, और इसमें बस अब पीछे हेमिंग हो जाएगी और ये बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। देखिए फिनिशिंग से बनाया है तो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी प्रॉपर और एकदम परफेक्ट शेप आई है। तो मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी काम करें अच्छे से करें, फिनिशिंग के साथ में करें, थोड़ा टाइम लेके करें बट अच्छा काम करें। तो मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी। देखिए बैक में भी ये कितना अच्छा लग रहा है, जबकि मैंने इसमें ये पूरा पैच स्टिच करा है, उसमें पोटली बटन भी लगाए हुए हैं, बट फिर भी उसमें कितनी फिनिशिंग आई है, कहीं पे भी झोल नहीं है, कहीं पे भी धागे नहीं दिख रहे हैं। तो आप अगर आप फिनिशिंग से काम करते हैं तो आप एक सस्ते से भी फैब्रिक को आप बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जो भी काम करें अच्छे से करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ एक बात और, अगर आप ये वाला मेरा नेक डिजाइन देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको ये भी बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।